तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने नवजात शिशु का डाइट प्लान करें। सो हैव अ लुक ऑन माय वीडियो। टिप नंबर 1, 0 से 3 महीने के शिशु के लिए आहार। नवजात बच्चे के लिए सबसे अच्छा खाना माँ का दूध होता है। माँ का दूध शुद्ध, मिलावट रहित और सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका सही मात्रा में सेवन करवाने से बच्चा हष्ट और पुष्ट रहता है। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन मिला होता है जो बच्चे को बाहरी संक्रमण से बचा कर रखता है। माँ का दूध बच्चे के शरीर से बीमारियों और एलर्जी को दूर भगा देता है। टिप नंबर 2, शुरुआत के तीन महीने में माँ का भोजन भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, इसलिए डिलीवरी के बाद महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। अगर माँ को स्तनों में दूध सही तरीके से नहीं बनता है या कोई समस्या है तो वे बॉडी में आयरन की कमी को दर्शाता है। 3 महीने तक बच्चे को आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 3 महीने के बाद आयरन से भरपूर अन्य भोजन भी देना शुरू किया जा सकता है। टिप नंबर 3, 3 से 6 महीने के शिशु का आहार बच्चे की इस उम्र से उसके शरीर को पोषक तत्वों की भरपूर आवश्यकता पड़ती है। इस दौर में शिशु का आहार माँ के दूध पर ही निर्भर ना रहकर बल्कि कुछ ठोस आहार में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे पका हुआ भोजन। इसकी शुरुआत बच्चे को सेरेलैक देकर करनी चाहिए, जिसे अच्छी तरह से मैश करके बच्चे को थोड़े थोड़े अंतराल पर देना चाहिए। इससे बच्चे को शरीर के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे। जब बच्चा इसे अच्छी तरह से पचाने लग जाए तो उसे खिचड़ी खिलाना चाहिए, जिसे चावल और मूंग की दाल से बनाया जाना चाहिए। बच्चे को इस उम्र में सूप और हल्की सब्जियां और फल भी सप्लीमेंटेशन फूड के तौर पर दिन में 1-2 बार देना चाहिए। फ्रूट और सब्जियों से बच्चे के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कारण हुई आयरन की कमी को दूर करता है। टिप नंबर 4, 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए फूड। 6 महीने के बाद बच्चे ठोस आहार लेना पसंद करते हैं। बच्चों को इस समय तक फल सब्जियां देना शुरू कर देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे बहुत नटखट हो जाते हैं, वे खुद से भोजन को लेकर खाने लग जाते हैं। उनकी इस आदत को अपने ध्यान में रखकर प्रोत्साहित करना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। इस समय उनके दांतों में इरिटेशन होती है और वो उस इरिटेशन को शांत करने के लिए किसी भी चीज को मुंह में डाल लेते हैं और उसे मुंह में ही बनाए रखते हैं। इससे उन्हें दस्त होने की संभावना होती है। इस आदत को कम करने के लिए बच्चे को एक बिस्कुट या टोस्ट दे दें, जिसे वह चूसता रहे और चबा ना पाए। बच्चे को उबला आलू फोड़ कर सादा देना चाहिए। अगर चाहे तो उसमें हल्का नमक और नींबू के 1 बूंद रस निचोड़ दें। इसके अलावा कई अन्य सब्जियां जैसे गाजर, गोभी, कद्दू और पालक को भी अच्छे से उबाल कर पीस कर नमक डालकर बच्चे को खिलाना चाहिए। बच्चे को मिल्क में इडली, ढोकला, चपाती आदि भी पीस कर दे सकते हैं। इस उम्र में बच्चे को अंडा भी देना शुरू किया जा सकता है। सप्ताह में 3 से 4 अंडे खिलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। टिप नंबर 5, 9 से 10 महीने के बच्चे के लिए फूड। जब बच्चा 9 या 10 महीने का हो जाए तो उसे आप फिश, चिकन, कलेजा और मीट भी खिला सकते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह पका कर और सॉफ्ट ही देना चाहिए। हड्डी वाला हिस्सा बच्चे को भूल कर भी ना दें। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका वजन जन्म के समय से 3 गुना हो जाता है। बढ़ते बच्चों को समय समय पर मिल्क, बिस्कुट और फ्रूट जूस आदि देना चाहिए। एक मिश्रित संतुलित भोजन बच्चे के शरीर में होने वाली कमियों को दूर भगाता है।
तो यह सब थी टिप्स जिससे आप अपने नवजात शिशु की डाइट प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विथ मी।